नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। का जो मीटिंग प्रिसाइड कर रहा है हम लोग का राहुल देव आईपीएस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर साहब हैं। हम लोग की आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से हम लोग का एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डब्ल्यूबीपीएस वो भी मौजूद है। इसके सीधे हम लोग का उसी जिला सब इंस्पेक्टर सोम कुमार सिंह है। उसके बाद हम लोग का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिकंदर आलम है जो आई सी रुकनारायण जो है। इंस्पेक्टर इंचार्ज कुल डी पी एस है शोभा भट्टाचार्य। इंस्पेक्टर इंचार्ज सलामपुर पी एस है पवित्र कुमार गांगुली। सब इंस्पेक्टर पुलिस हीरापुर अनंत कुमार चट्टोपाध्याय। पहले जो आज का जो मीटिंग है उसमें मैं पहले ही स्वागत करना चाहता हूँ। हम लोगों के साथ है एसडीपीओ रघुनाथपुर साहब, एसडीपीओ जामतारा साहब, और हम लोगों का जो सीआई साहब है सीआई जामतारा साहब आए हैं, और ओसी मिहिजाम आए हैं, आईसी जो वेस्ट वेस्टर्न जोन का जो आईसी है आईसी कुलटी, आईसी सालानपुर, आईसी चित्तरंजन है, सीआई हीरापुर मौजूद है, ओसी हीरापुर है, और हम लोगों का डीएसपी बीरभूम से डीएसपी ट्रैफिक आया है। तो आज का जो मीटिंग है, आज का मीटिंग का हम लोग का एजेंडा है कि पूजा आ रहा है, पूजा के बाद दिवाली आएगा, उसके बाद छठ है। तो फेस्टिव सीजन में हम लोग का जो तीन चार मुद्दा वो हड़बड़ी उठता है, वो क्या है कि फेस्टिव सीजन में हम लोग का जो वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा चालू होने जा रहा है, दुर्गा पूजा में क्या नो एंट्री होता है, आप लोग का सभी का मालूम है, जो हेवी गुड्स व्हीकल का नो एंट्री चालू हो जाता है। इसके लिए ट्रैफिक में डीसीपी ट्रैफिक का ऑफिस में आज मीटिंग था। बॉर्डरिंग जो थाना एरिया है बीरभूम से, पुरुलिया से, और जो झारखंड से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उधर बातचीत हुआ है। तो वो जो लिस्ट है वो ट्रैफिक के तरफ से भी आपको आप लोगों के पास सर्व किया जाएगा, और हम लोग भी देंगे कि कब से कब नो एंट्री है, कब शुरू करना होगा, कब ख़त्म करना होगा, क्योंकि नो एंट्री बंगाल में है तो झारखंड झारखंड का पूरा सहयोग जो पिछले बार हम लोग पाए थे, तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड के बिना झारखंड के सहयोग से ये जो नो एंट्री वाला जो है जो इशू ये ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। इसलिए झारखंड पुलिस से हम लोगों का आवेदन है कि पिछले बार जो और जो औरों साल से ये चल रहा है जो पूजा का टाइम में जो जो फेस्टिव सीजन में जो नो एंट्री का मुद्दा है, उस पर हम लोगों का आशा है कि इस बार भी आप लोग हम लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, जैसे उत्सव का जो ये जो है दुर्गा पूजा का टाइम में, और छठ के दिन एक दो दिन होता है, दिवाली के दिन एक दो दिन होता है, पर दुर्गा पूजा में लॉन्ग टाइम से होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और ये मुद्दा है जो अभी हम लोगों का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डरिंग जो इंटर स्टेट हम लोगों का जो बॉर्डर है इंडिया है, जो बॉर्डरिंग एरिया में हम लोग का नाका चलते हैं, आप लोग जानते ही है कि झारखंड के साथ हम लोगों का जो बॉर्डर है, जो नेशनल हाईवे में जो बॉर्डर है दुबुड्डी चेक पोस्ट वाला बॉर्डर है, तो उसमें नाका चलता है, और जो बॉर्डर है बिहार रोड में रुपनारायणपुर, हम लोग का रुपनारायणपुर फाड़ी है, उधर उस साइड आप लोगों का फाड़ी है, उस साइड आप लोगों का थाना है मिहिजाम है, उस पर भी चित्तरंजन में भी है, बाराबोनी में भी है, हालांकि नौला से कोई लोग नहीं आए हैं, तो फिर भी तो वो सब नाका पॉइंट में कैसे कैसे, क्योंकि आप जानते ही है कि पूजा के टाइम में एक ह्यूज गैदरिंग होता है हम लोगों के इधर, और सबसे आप जानते ही है कि चित्तरंजन में ये जो बॉर्डरिंग एरिया है चित्तरंजन में 14 बड़ा बड़ा पूजा होता है, और पूजा की कभी भी झारखंड से आएगा बहुत दूर दूर से आता है, तो चित्तरंजन में क्योंकि बड़ा बड़ा सा पूजा आता है होता है तो झारखंड से बहुत लोग आते आएगा फुल नाइट ही आते हैं, तो उन लोगों का हम लोगों का ये बोलना है कि वो लोग जो आते हैं फैमिली लेके सब पूजा देखने के लिए आते हैं, तो हम लोग तो इधर से पूरी तरह इंतजाम करेंगे, पर फिर नाइट में भी पूजा देखने का बहुत लोग आते हैं, चित्तरंजन में होल नाइट पूजा होता है, होल नाइट लोग आते हैं झारखंड से इस पार उस पार सब जाते हैं, बाइक लेके घूमते हैं सब इधर उधर जाते हैं, तो हम लोग का ये आशा है झारखंड पुलिस से
कि आप लोग पिछले साल भी बहुत अच्छे कोऑपरेट किया है हम लोगों के साथ, इस साल में भी वो जो फैमिली लोग आते हैं और जो बाइक वगैरह आते हैं वो सब आते हैं, वो सब लेके वो आप लोगों की तरफ से भी हम लोग की तरफ से भी तो पूरी अरेंजमेंट रहेगी इस तरह का कि चित्ररंजन में हम लोग पूरा अरेंजमेंट करेंगे पूजा के लिए। का पॉइंट है तीन गेट में आप लोगों का, एक एक नंबर गेट है आपका चित्ररंजन रेलवे स्टेशन के बगल में, और एक गेट है दो नंबर गेट है, और तीन नंबर गेट है सिद्धू कान्हू ब्रिज में, जिसमें से बड़ा गाड़ी नहीं घुसते हैं, उसमें से दो टू व्हीलर घुस सकते हैं, पर वो जो दोनों गेट है उसमें से लोग ज़्यादा आते हैं। फिर भी पूजा के टाइम में बहुत सारे जो हम लोग का पॉकेट गेट है, पॉकेट गेट का मतलब है आप लोग सब जानते ही है कि पॉकेट गेट में हम लोग का उतना नाका देना इतना संभव नहीं होता है सब टाइम में, क्योंकि पॉकेट गेट वो स्पेशलाइज नाका नहीं है, नहीं होता है उस गेट में। उस गेट में आरपीएफ वगैरह तो मोबाइल कटते हैं, अगर पूजा के टाइम में उस पॉकेट गेट से भी बहुत सारे आदमी पैदल चल के उधर पूजा में सब चले आते हैं, हम लोग किसी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि फेस्टिव सीजन है। अलग 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 मुद्दा होता है कि ऑटोमेटिक जो दिन में हर रोज होता है कि कौन 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 पॉकेट गेट से खुश रहा है वो हम लोग मना कर सकते हैं ना कर सकते हैं, पूजा के टाइम में ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि फैमिली लेके सब लोग घूमने आते हैं, वो कोई पैदल चल के आ जाता है, कोई बहुत सारा पूरा फैमिली का आदमी लेके पूरा चला आता है, तो उस गेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोगों का। तो उस गेट में हम लोग को ये आप लोगों के पास ये हम लोग रखते हैं कि आप लोग भी वो उस गेट की तरफ से अगर कोई आपके तरफ से झारखंड पुलिस के तरफ से भी कोई मोबाइल ये रखे कि कोई मैन डिप्लॉय पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो मैन डिप्लॉय कर सकते हैं ये। और आरपीएफ मीटिंग में नहीं है अभी, आरपीएफ के भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आरपीएफ को भी मोबाइल पेट्रोलिंग उधर से बढ़ाए। ये पॉकेट गेट का चित्ररंजन में समस्या है, और ये चित्ररंजन में बड़ा पूजा होता है ये मैंने बोल दिया, और जो है जो हमारा कुल्टी में कुल्टी का जो बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर है चिरकुंडा में जो बॉर्डर है आप लोग जानते ही है कि बोड़ाकड़ में एक बॉर्डर है, बोड़ाकड़ बॉर्डर ऐसा है कि बोड़ाकड़ बॉर्डर के वो बॉर्डर हम लोग नहीं मान के चल सकते क्योंकि इधर का आदमी उधर जाते है उधर का आदमी इधर, चिरकुंडा से जो टीम आएगा और दूसरा टीम ही आएगा क्योंकि एक टीम वो दो जगह पर ऑपरेशन नहीं करता है। तो हम लोग का ये निवेदन है आप लोगों के पास कि मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जो मेन क्राइम है पूजा के टाइम में, और ये आप लोगों का साथ हम लोग का पूरा कोऑपरेट आप लोग कीजिएगा, ये हम आप लोगों के पास हम लोग का निवेदन है। दो तीन चार ये हो जाने से लोगों के अंदर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विश्वास खत्म हो जाता है क्योंकि जो पूजा का टाइम में सब फैमिली लेके आता है और उसमें से जल्द पूरा जगह खबर चल जाता है कि इधर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग हो गया है, इधर पुलिस कुछ काम नहीं करता है क्योंकि पूजा के टाइम में ये सब हम लोग का क्राइम वॉक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर चोरी हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग इधर का मेन इश्यू है, और जो दो नंबर इश्यू है मोटरसाइकिल लेके जो आदमी घूमता है आप लोग देखते हैं कि वो जो स्नैचिंग पार्टी आ जाता है पूजा के टाइम में, जो मोटरसाइकिल में दो तीन आदमी बैठा हुआ रहता है और स्नैच करके मोबाइल और जो चेन है वो सब स्नैचिंग पार्टी सब पूजा के टाइम में आते हैं। तो ये सब जो टीम है हम लोग को, मैं आप लोग झारखंड से भी बोलूंगा और हम लोग का जो लोकल आईसीज ओसीज है उन लोग को भी हम लोग मैं बोल रहा हूँ कि वो सब जो स्नैचिंग पार्टी है उसमें उन लोगों के खिलाफ अभी से पूरा हम लोग के पास तो रिकॉर्ड है ही है, उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द वो कार्यवाही शुरू कीजिए, और वो लोग जो है हम लोग के पास जो लिस्ट है उन लोग को देखे कौन है किधर है किस कोर्ट में है कि बेल में है कि जेल में है, ये सब जो पूरा डिटेल्स डेटा ये लेके उन लोगों के पास हम लोगों को ग्रैब करना पड़ेगा ये पूजा के टाइम के पहले, क्योंकि आज से 10 दिन बाद पूजा शुरू होने वाले है। तो इसमें हम लोगों का कोशिश रहेगा कि पूजा के दौरान इस तरह का क्राइम हम लोग कंट्रोल कर पाए, और जो क्राइम होता है पूजा के टाइम में जो छोटा मोटा क्राइम होता है, छोटा मोटा क्राइम तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जो क्राइम ऑफेंस अगेंस्ट वुमन है ये सबसे बड़ा क्राइम है, पर उनका जो परसेंटेज इधर कम है, हम लोगों का परसेंटेज अगर क्राइम पूजा के टाइम में होता है तो उनका स्नैचिंग और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग ये परसेंटेज के देने से बहुत ऊपर में आता है, पर क्राइम अगेंस्ट वुमन जो जिस तरह का ऑफेंस है इस बढ़ता है, अगर क्राइम अगेंस्ट वुमन किसी तरह हो गया, क्राइम अगेंस्ट वुमन पूजा के टाइम में आप लोग जानते हैं ज्यादा के तरफ से हिप टीजिंग का प्रॉब्लम है और आईपीसी 354A उस टाइप का ऑफेंस होता है पूजा के टाइम में, कभी अरेंजमेंट रहेगा उस पर कि कौन कौन क्या होता है क्राइम अगेंस्ट ओपन करके कि झारखंड का आदमी आके इधर आके करके चला गया
इधर का आदमी उधर जगह करके चला गया। इस तरह का जो पब्लिक है, इस तरह का जो 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 जगह है, जिस तरह से पब्लिक पास करता है, पर जगह अच्छा नहीं है। वो तो जगह है हम लोग का पास, जो लाइट का हो सकता है उस पोजीशन में, कि लोकलिटी कम हो सकता है, उस तरह डिफाई करना पड़ेगा उस तरह में क्या का इस तरह का क्राइम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जो जो फेस्टिव सीजन में जो ये जो हम लोग ने बात बताया थे, इसी के ये जो तीन टाइप का क्राइम है, इसके ऊपर भी हम लोग का बहुत सारा टाइम है, आप लोग तो जानते ही है। पर पूजा को सामने हम लोग के पास 10 दिन के बाद पूजा है, तो पूजा का टाइम ये सब क्राइम ही होता है दरअसल। और आप लोग का मैं अभी आप लोग का वो झारखंड पुलिस से आप जो आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स SDPO साहब और IC चिरकुंडा आए हैं, तो आप लोग का जो व्यू है इस बारे में, मैं तो ये बोल दिया कि ये मीटिंग में ये हम लोग डिसाइड किया है कि ये विषय में हम लोग आलोचना करेंगे, क्योंकि सामने पूजा है और भी हम लोग का बहुत सारा इश्यू है। तो हम लोग तो मिलते ही रहते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग का सामने इलेक्शन भी है, मैं उसके बाद एक मीटिंग भी होगा हम लोग का तरफ से। पर हम लोग का आज मीटिंग में जो 10 दिन के बाद पूजा है और जो फेस्टिव सीजन है, इस विषय को नजर में रखते हुए SDPO साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ इस बारे में हम लोग का सारी भीड़ सप्तमी से चालू हो जाती है। तो हमारा जो मिहिजाम थाना है और हमारे सब डिवीजन का बंगाल का बॉर्डर थाना है, इसमें चितरंजन और रूप नारायण है, हमारा बॉर्डर PS है बंगाल का। इसमें दशहरा के अवसर पर सारी तैयारी हम लोग कर लिए हैं, फोर्स का पूरा इंतजाम रहेगा, चेकिंग चलेगी, सिविल में भी फोर्स रहेगा, और जितने भी हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं उसकी सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। तैयार करके पहले चाहेंगे हम लोग की गिरफ्तारी कर लें, और करने के पश्चात सारी जितनी तैयारियां हैं करीब करीब हम लोग पूरा कर लिए हैं। हम लोग को अपडेट करेंगे और आपस में हम लोग कम्युनिकेशन रखेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे, जो भी बातें होगी चंद्रा शाहर जी ने बताया इनसे संपर्क में हम लोग रहेंगे, ये जब हमको कोऑपरेशन के लिए याद करेंगे हम कोऑपरेट करेंगे, और हम जब याद करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जामताड़ा पुलिस की तरफ से कि आपको सहयोग मिलेगा और दशहरा के अवसर पर कोई गड़बड़ी होने की कोई चांस नहीं है। क्योंकि जो प्रोसेशन का परमिशन पिछले साल मेरे उधर आए थे, और जो माइक का परमिशन मीजम का जो आता है, और पिछले साल मीजाम से बहुत अच्छा, ये मैं थैंक्स देना चाहता हूँ मीजाम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, पिछले साल बहुत अच्छा सहयोग मिला है उन लोगों के पास, कि जो हम लोग का जो इमर्शन प्रोसेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से चित्रंजन में बहुत डिसिप्लिन वे से हुआ है। तो इस बार भी मैं मीजाम और एडमिनिस्ट्रेशन को जानता रहे SDPO जानता रहे से अनुरोध करते हो कि पिछले साल जैसे अच्छे तरीके से हुआ है, इस बार भी अच्छी तरीके से प्रोसेशन इमर्शन होगा। हम लोग के इधर से आप जानते ही है, आप लोग के उधर भी होगा। तो प्रोसेशन इमर्शन के लिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि उधर आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उधर आप लोग पूरा बिग कट दीजिएगा। ये आप लोग जानते हैं, फिर भी बोलने का ये है कि प्रोसेशन में जो दो तीन चीज़ है जो हम लोग के इधर जो ऑर्डर है, तो क्या है कि प्रोसेशन में कोई DJ बॉक्स नहीं बजेगा, और DJ बॉक्स तो नहीं बजेगा तो हम लोग के इधर साउंड लिमिटिंग मशीन रहेगा अभी। और जो वेस्ट बंगाल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर है, वो जो जब चित्रंजन से हम लोग को बंगाल एरिया में घुसेगा तब पूरा नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। नॉर्म्स क्या है कि DJ बॉक्स से जो साउंड होता है उसके वो DJ बॉक्स तो नहीं बजेगा, और DJ बॉक्स के बराबर जो साउंड होता है वो क्या करते हैं, DJ बंद कर देता है तो कुछ लोग क्या करते हैं 10-12 बॉक्स लेके और 10-12 चुहा ऐसे ऐसे करके ले जाता है, जैसे DJ की जैसे ही साउंड होता है। तो वो सब हम लोग का प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग उधर से प्रिवेंट कर गए तो हम लोग का सुविधा होता है। क्योंकि ये देखिए बाहर से आप लोग का झारखंड से इधर आए, पहले हम लोग का ये मानना है कि झारखंड से इधर आए तो उन लोग हम लोग का मेहमान है, ठीक है। तो हम लोग पहली तरह से एडेस ये सब नहीं करेंगे, तो आप लोग के उधर से अगर प्रिवेंट कर दिया है तो हम लोग का खराब नहीं लगे। इस संबंध में डायरेक्शन दिया हुआ है, इंचार्ज को डायरेक्शन दिया हुआ है सर। इस बार में जो कहना है, हमारा जो चित्रंजन इमर्शन होता है वो काफी प्रोसेशन का माफिक होता है, चौदह तो हमारा यहाँ पर रहता है, मिहिजाम से भी आते हैं, तो वहाँ पर 12 प्रोसेशन है हमारा। कर्नेल सिंह पार्क जो है उसका आने का थोड़ा बहुत पहले
वहाँ पर एक जगह है जहाँ स्काउट का कैंप रहता है, वहाँ से साउंड पूरा ऑफ हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्या कि वहाँ पर हम लोग को ऑपरेट करना पड़ता है, क्या कि हम लोग का अनाउंसमेंट रहेगा कि अमुक प्रोसेस अमुक कमेटी अब चला जाइए, आप लोग का हो गया है ऐसा माफी। अभी इधर हाल में हम लोग पीस कमेटी की मीटिंग किए थे मिहिजाम थाने में, ये सारे डायरेक्शन दिए गए हैं और उस दिन भी हम लोग फॉलो करेंगे ये नहीं। इधर से पूरा साउंड बंद हो जाएगा। जी 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 हाँ, ये वो लोग जानते ही हो, तो पिछले साल भी हुआ था। जी हाँ, और एक बार दोहरा देने से मीटिंग। हाँ जी जी जी, वो हम लोग करवा देंगे, वो करवा। दिवाली में तो लोग आते ही हैं उधर से। जो सब सेट है या जो सब वो है स्नेचिंग का, हाँ हाँ, इसमें हम लोग का पार्टिकुलर होना है, क्योंकि मिहिजाम का और चितरंजन का ये दोनों का जो है कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन क्रिमिनल है, कॉमन क्रिमिनल क्रिमिनल भी कॉमन, इधर से क्राइम करते उधर जाता होगा। खास करके पार्किंग एरिया में जो मोटरसाइकिल जहाँ पार्किंग होती है वहाँ पुलिस की एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, वो ऐसा लगे कि जो कोई सिंगल आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है उसको जाकर पूछ ले पुलिस कि आप क्या कर रहे हो, तुम्हारा गाड़ी है कि नहीं दिखा। क्योंकि जब मेला में लोग आएंगे तो दो चार ग्रुप में आएंगे घूमने, जो ऑटो चोर होंगे वो क्या करेगा, जाएगा बैठ करके मोटरसाइकिल को चाबी लगावेगा और मौका देके निकल जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो स्वास्थ्य से भी चेक हो जाएगा, तो हम भी अपने क्षेत्र में करेंगे। और नहीं हो अगर दो चार ऐसे हो जाएगा दिन भर में उसको भय हो जाएगा, जब हो जाएगा तो भाग जाएगा एरिया छोड़कर, क्षेत्र छोड़कर। और अभी अच्छा उसी मिहिजाम साहब आपको कुछ कहना है तो बोलिए। अरविंदर जी से हमेशा कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, और मोटरसाइकिल लिफ्टर जो सर ने कहा अभी आपने, तो वो उधर से जब वहाँ प्रेशर मारता है तो हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ सब प्रेशर मारता है तो उनके यहाँ जाता है सर। तो दो चीज़ पर अंकुश लगानी है, एक तो ये है कि जो इंफ्यूजर्स है भीड़ जो है उसको कंट्रोल करना है, और जो इस भीड़ के फायदा उठाते हैं जिसमें कि मोटरसाइकिल या कुछ भी स्नैचर वगैरह लोग हैं उसको हम लोग को देखना है सर उसमें। तो कुछ तो हम लोगों ने कार्रवाई की है अभी, और कुछ अभी होमवर्क अभी बन, अभी पीस कमेटी की मीटिंग में हमने कल रखा है, उसको भी हम लोग गाइडलाइन करेंगे। अब मेन जो बॉर्डर प्लेस में जहाँ पर जो वर्क है वो है क्या कि थोड़ा सा लंबे अवधि तक के लिए जो फोर्स रहते हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा फ्रेश करने की जरूरत है, चेंज करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो मोटिवेटेड होकर अच्छा से काम कर पाए। अब एक ही फोर्स को कंटिन्यूअस अगर लगा देते हैं तो वो जो है मतलब डंप फोल्डर के बाद डंप हो जाता है, भीड़ को देखने लगता है, मॉब को देखने लगता है, तो उसमें वो सब चीज़ को थोड़ा प्रिवेंट करना है सर। एक्चुअली मैंने ये आपको पहले बोला कि 8th और 9th जी सर, नौवीं और दसवीं के दिन वो दिन आप लोग का फोर्स का थोड़ा एक्टिव, यस वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम महावीर झंडा होने वाला है बड़गढ़ में। और एक चीज और है सर, इमर्सन भी वही वो जो नदी है सर हम लोग करते हैं, तो होता है कि उधर से भी आता है और इधर से भी आता है, और नदी में क्योंकि पानी बहुत कम होता है उधर से पैदल ही चला जाता है, तो लोग आते हैं उसमें उसमें खासकर क्योंकि दूसरे कम्युनिटी के लोग वहाँ ज्यादा वहाँ रहते हैं तो शैतानी कर सकते हैं वहाँ पे, तो उस पर फोकस करने की आवश्यकता है सर वहाँ पे। मैं आईसी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका जो सुझाव है कि वो जो नदी पार करके जो आते हैं क्योंकि नदी में पानी नहीं रहता है ज़्यादा, तो पैदल चल के बहुत सारा आदमी इधर उधर जा सकता है, तो उसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा। आईसी चिरकुंडा साहब के साथ हम लोग का आईसी कुल्टी और बड़ागाड़ पीपी के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, तो बहुत दिन से बहुत हेल्प भी करता है वो आईसी चिरकुंडा साहब, तो हम लोग का भी कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग का भी सहयोग मिलता ही होगा आप लोग, तो कोई इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एसडीपीओ रघुनाथ साहब को
रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप इस विषय में जो आने वाले फेस्टिव सीजन है उसमें लोगों का भी सुझाव दें। थैंक यू सर। हमारे जो नितुड़िया पीएस है वहाँ पर पूजा बहुत अच्छा बड़ा वाला पूजा होता है वहाँ पर, और दो तीन बिग बजट पूजा होता है वहाँ पर। तो हम लोगों का एक प्रॉब्लम मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो ब्रिज जो बन रहा है, ब्रिज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्योंकि ट्रैफिक एकदम स्टैंड स्टिल हो जा रहा है। वो ब्रिज शायद फरवरी महीने से स्टार्ट हो गया है, अभी सितंबर हो गया, अगर पूजा से पहले ये अगर कंप्लीट नहीं होगा तो, क्योंकि आसानसोल से बहुत लोग नितुड़िया जाते हैं और नितुड़िया से बहुत नितुड़िया और रघुनाथपुरा पुरुलिया से बहुत लोग दुर्गम आसानसोल में पूजा देखने के लिए जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा। और ये हो सकता है कि एकदम ब्रिज स्टैंड स्टिल हो सकता है, मूवमेंट नहीं होगा, तब मूवमेंट जब नहीं होगा तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगा। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, हम लोग पीएम वेस्ट मिदनापुर वेस्ट बर्धमान है उनको हम लोग हमारे एसपी साहब ने लिखा है, चिट्ठी लिखा है, अगर थोड़ा आप इसको टेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। नितुड़िया सर थाना है सर, ठीक है सर, কারণ স্যার আমাদের যখন স্যার ব্রিজটা তো স্যার এখন একদিক থেকে চলছে স্যার, মানে ওখান থেকে মেন প্যাকে বলে এদিককার গাড়ি ছাড়ে, আবার ওদিক থেকে স্যার পুরুলিয়ার থেকে মেন প্যাকে বলে এদিককার গাড়ি ছাড়ে। এবার স্যার যদি আপনি স্যার যখন দেখবেন যে স্যার যখন নো এন্ট্রি খোলে তখন স্যার ওইখানটা মানে প্রচণ্ড জ্যাম হয়ে যায়। এবার স্যার পুজোর সময় স্যার যেটা বললেন মানে নিতুড়িয়াতে স্যার খুব বড় বড় বিগ বাজেট পুজো হয় এবং স্যার আসানসোল থেকে বহু লোক স্যার ওদিকে যায়, এবং সেইখানটা কিন্তু স্যার যেটা বললেন আমি স্যারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত যে ওখানে কিন্তু একটা স্ট্যান্ড স্টিল হবে এবং ব্রিজের মধ্যে স্ট্যান্ড স্টিল হলে ব্রিজের কিন্তু স্যার একটা খুব মানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কন্ডিশন খুব খারাপ স্যার ব্রিজটার, মানে নর্মালি তোমায় গাড়ি গেলে ব্রিজটা কাঁপছে, আর তাই যার জন্য ওরা খুব মানে যেটা রিনোভেশন করছে ভেরি স্লো প্রসেসে রিনোভেশন করছে, কিন্তু প্রসেসটা এতটাই স্লো হয়ে গেছে মানে এখন যেটা হয়ে গেছে বৃষ্টি হচ্ছে, পুজোর মধ্যে যদি বৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুব খারাপ অবস্থায় যাবে স্যার ব্রিজটা, এবং আমাদের এন্টায়ার পিরিয়ডটা কিন্তু হয়তো অন্য জায়গায় পুজো চলে আসতে ওইখানে ট্রাফিকটাকে ঠিক করতে হবে, মানে একদম রঘুনাথপুর ওদিকে আটকে যাবে, এদিকে শহরটা টাউনটা পুরো আটকে যাবে, ওদিকে যাবেই না স্যার গাড়ি রঙটা যাই হতে চলেছে। বাকি পাবলিক গাড়ি এবং হেভি ভেহিকলস আছে, প্রচুর হেভি ভেহিকলস আছে, খুব খারাপ কন্ডিশন। পুজোর সময় যারা মেন টাইপের তো কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে স্যার, সেটা রেস্ট্রিকশন থাকে, কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে এমনি গাড়ি প্রেশার আছে, কিন্তু আর কোনো কি রাস্তা কি না স্যার জুহি চাওলা সে লেকার আদনান সামনী তক সব বড় 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 সব সব সেলিব্রিটি আয়েঙ্গে ওয়হাঁ পর, इसलिए बहुत पब्लिक का भीड़ होगा, 30-40,000 लोग वहाँ पर स्टेडियम में रहेगा, इसलिए ये बहुत बड़ा होने वाला है। और जो सेलिब्रिटी जो आएंगे वो भी यही रास्ता पकड़ेंगे सर, यही रास्ता पकड़ेंगे सेलिब्रिटी लोग। रघुनाथ सर सब सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं डीएसपी बीरभूम से डीएसपी ट्रैफिक टुटुल विश्वास आए हैं, वो बीरभूम का हम लोग के बीरभूम में दुर्गा पूजा इतना बड़ा कोई पूजा नहीं होता है, छोटा छोटा पूजा होता है, दुर्गाजपुर टाउन में दो चार पूजा है बड़ा पूजा,
तो सर हमारा जो नाका पॉइंट है बॉर्डरिंग एरिया में अंदर सीसीटीवी कवर 24/7 चलता है और पूजा के टाइम सर स्ट्रॉन्ग हैरेसमेंट रहेगा नाका दिन पर। सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर जो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है उसके साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉब्लम होता है मोबाइल थेफ्ट का, बहुत ज़्यादा मोबाइल वहाँ पर थेफ्ट होता है। तो नाका चीनी अगर इस झारखंड बॉर्डर एरिया से या फिर हमारे एडीबीसी एरिया से अगर स्ट्रॉन्ग हो हमारा बिल्डों में भी रहेगा तो फिर ये कम कर सकते हैं। झारखंड का कौन बॉर्डर पड़ेगा, कौन थाना? कला थाना है, उसके साथ हर टाइम संबंध रहते हैं हम लोग और परिश्रम करके काम करते हैं। नौला थाना से हम लोगों का संपर्क है, ऐसे सब कुछ हम लोग लेन देन करते हैं और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के बारे में जो खबर मिलता है उन लोगों को, जो खबर मिलता है वो लोग हम लोगों को देता है, हम लोग रेड करते हैं वहाँ, वो लोग आता है हमारा जो एरिया में, ये सब करते हैं हम लोग सर सारा सर। दुर्गा पूजा का बॉर्डर दुर्गा पूजा में जो होता है सर, ये व्हीकल जो उधर से झारखंड से आता है सर, वहाँ जो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन रहता है, जो ये रहता है, वो सब मिलजुल के हम लोग करते हैं। और बीरभूम का जो प्रॉब्लम है ये मोटरसाइकिल के बारे में, ये हम डीएसपी बीरभूम को मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग आपस में कोऑपरेट कर लेंगे। जो आप लोग का जो डीएसपी हेडक्वार्टर साहब है, जिसमें ये जो हम लोग का जो बॉर्डरिंग नेबरिंग जो पीएस पड़ता है, तो हम लोग आपके थ्रू कंसोल की तरफ से कि पुरुलिया की तरफ से उधर से तो मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को इधर आने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा पूजा का टाइम में। तो इस विषय में अगर आपको जो डीएसपी हेडक्वार्टर साहब है उनको अगर भूलिएगा कि कोऑपरेट करने के लिए, वो तो करते ही है, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है विभूम আইডেন্টিফাইড মোটরসাইকেল লিফটারগুলো স্যার যারা জিরাপুরের তো কোনো ঝাড়খণ্ড বর্ডার আমাদের নেই, আর বারাবানি মে থাড়া ঝাড়খণ্ড কা বর্ডার হ্যাঁ অপোজিট হ্যাঁ নালা পুলিশ স্টেশন, তো নালা সে তো কোই আগে নেই রিপ্রেজেন্টেটিভ। বেসিক্যালি ওহাঁ সে বারাবানি মে কোই খাস বড়া পূজা নেই হতা, ফির ভি ওহাঁ সে ঝাড়খণ্ড সে কুছ লোক আতে হ্যাঁ পূজা উজা দেখনে কে লিয়ে আতে হ্যাঁ, নর্মালি ইধার ঘুমনে কে লিয়ে আতে হ্যাঁ, আসানসোল আনে কে লিয়ে ভি ওই রুট ও লোক ইস্তেমাল করতে হ্যাঁ। तो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का घटना घटी थी कि उस तरह पुरुलिया में सातुरी थाना में मोटरसाइकिल लिफ्टर दो मोटरसाइकिल लेके इधर हीरापुर में आया था, तो वो कैसे आया था कि उधर हम लोग उधर ऊपर जो दामोदर के ऊपर ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, तो ब्रिज से पैदल चल के मोटरसाइकिल लेके इधर हीरापुर में आए थे। तो षष्ठी के दिन उधर उसी सातुरी खुद चला आया था हीरापुर थाना में मोटरसाइकिल लिफ्टर को पकड़ने के लिए। तो ऐसे बात है, पिछले साल भी ऐसे मैंने देखा है कि हीरापुर में हुआ था, छातुरी से जाके उसका ये है मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का वो होता है, तो पूजा का टाइम में ये भी बढ़ जाता है। और बीरभूम का जो नौला का बात है, जो किसी बाड़ाबुनी ने अभी तक बोला है कि नौला का जो रूट है वो बीरभूम वाले भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि बीरभूम के साथ जो बाड़ाबुनी का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर एरिया में जो बॉर्डर एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है ज़्यादा, उसमें से ज़्यादा लोग उधर नहीं रहता है, जो फॉरेस्ट एरिया है बीरभूम के साथ जो बॉर्डर है, रास्ता भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उधर से इसलिए इनफील्ड हमारा गाड़ी आपके थाने के सामने से ही हर दिन घूमते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा नाका चलाएगा तो ठीक है, और महावीर झंडा का दिन तो आपके उधर जाके ही ख़त्म होता है सर, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आपके साथ हमारा तो फ़ोन में बातचीत होता ही रहता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर पुरुलिया के साथ भी हमारा एक बॉर्डर है सर, दिसलगढ़ जो है उस सातुरी आई सी है सर, वो नितुरिया का ओसी, अच्छा तालमेल है सर, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, और दोनों मिलकर ही वो ट्रैफिक ठीक रहता है ऐसा सर, ठीक ही है। जो टोटल वॉल्यूम का प्रेशर आ जाएगा ना हैवी गुड्स व्हीकल का, वो तो हम लोग का एक लिमिट है कि 1000 गाड़ी की 1500 गाड़ी सर, तो हम लोग इस 1500 गाड़ी के ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए ये मीटिंग हम लोग का है। जो ट्रैफिक का भी पहले मीटिंग हुआ था कि झारखंड के तरफ से अगर कोई गाड़ी को रोक लिया जाए पहले, क्योंकि हम लोग का जो नो एंट्री का मैसेज है वो पहले ही आप लोगों को पास सर्कुलेट किया जाएगा, तो इसमें से ये तालमेल अच्छा रखने से कि
सुविधा होगा हम लोग का, नहीं तो हम लोग का बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो है हम लोग का, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो सालानपुर थाना है, सालानपुर थाने में जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर है, सालानपुर थाना का जो हम लोग के डीवीसी होके जो उधर माइथन ओपी पड़ता है झारखंड का, और इधर हम लोग का जो कल्याणेश्वरी मंदिर है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि नवमी के दिन कल्याणेश्वरी टेम्पल में स्पेशल एक पूजा होता है, तो उस पूजा में बहुत सारा गैदरिंग हो जाता है नवमी के दिन। तो इस विषय में मैं आईसी सालानपुर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आईसी सालानपुर साहब, वो जो मैटर है फेस्टिव सीजन का जो मैटर है, जो बॉर्डरिंग जो इश्यूज है, इस बारे में इस कुछ बोले। ये मिनी जम एरिया में सब तो ठीक है, आलम है वहाँ पे, और तो सब कुछ तो कम्युनिकेशन हर दिन ही होता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है नौवें दिन जो साहब बोला हुआ है, नौवें दिन में एक नौवीं पूजा होता है जो दो मोस्ट बोली वहाँ पे होता है, वही पूजा भी कल्याणेश्वरी मंदिर में बहुत डिवोटीज वो झारखंड बॉर्डर से आते हैं। सर वही बताना चाहेंगे, वो जो मंदिर है वो झारखंड से मैथन साइड से भी काफ़ी नौवीं के दिन रश हो जाता है वहाँ पे, वो जो बैरिकेडिंग है पुल के पास वहाँ पे जो कंसर्न बोर्ड पी एस है जी, तो मैं ऐसी इंचार्ज को बोलूँगा कि वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे मूवमेंट रखेंगे और पोर्ट पर डेवलपमेंट करेंगे, ताकि जो कम्युनिकेशन है मूवमेंट है पब्लिक का वो स्मूथ रहे वहाँ पे, वो मैं नोट कर लेता हूँ, उनको मैं कन्वे कर दूंगा। सर लास्ट ईयर वो फाड़ी में जो इंचार्ज था उन्हें सर मैं खुद कम्युनिकेट किया था। हाँ जी, वो एक मोबाइल वहाँ पर डाल दिया था जी, सर शाम तक एक मोबाइल डाल दिया था, वही कम्युनिकेट करता। तो इस साल वो आज वहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है, इसीलिए माइथन थाना से कोई मेरा अफसर वहाँ पे किया था, अमरदास कल्याणेश्वरी आईसी वहाँ पे किया, ठीक है। तो हैं उन्हें फिर बार माई पर्सनल रिक्वेस्ट कर देगा उनमें, तो कोई दिन एक मोबाइल रखने के लिए जो आप फर्स्ट कम्युनिकेट करेगा उनके साथ, कोई कैंप करने के लिए और कोई जो आप चाहता है। और जो रेलवे ट्रैक जो कनेक्टर है वहाँ से हम लोग का मॉनिटरिंग चलता है सर, दिखने नाटा जी चलता है, तो वेल लुकिंग इनटू दिस, और उसी से मैं कॉन्टेक्ट में रूलर में मीटिंग की है। वो ये बेसिकली फेस्टिव सीजन है मेन, और ये मेन ये कि हमारा अभी पुलिस हम भी पुलिस है, हमारा कम्युनिकेशन लगा है, अल्टीमेटली अगर अकेले हम लोग काम करेंगे तो कुछ वही नहीं, अगर सबके साथ सबका टीम वगैरह रहेगा तो मतलब अगर जितना मेरे को फीडबैक मिला है, हमारा जो कोऑपरेशन है ठीक ही चल रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर ऐसे ही चलता रहेगा। एंड इसी को बोल के अभी और तो कुछ है नहीं, इसी को बोल के मैं मीटिंग समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।